नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की खबर से। बीजेपी वीर कुंवर सिंह की जयंती पर भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बीजेपी 23 अप्रैल को आरा में जयंती मना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस दौरान 75,000 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। लोगों ने इस आजादी के अमृत महोत्सव और बाबू वीर कुंवर सिंह के महोत्सव विजय महोत्सव को मनाने भारत ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में जो तिरंगा वहां फहराया जाएगा, लहराया जाएगा, मुझको विश्वास है जिसकी संख्या को बांधा नहीं जा सकता है। यह संख्या 75,000 से भी और अधिक होकर किस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, बिलौर के मैदान में एक इतिहास रचने का काम होने जा रहा है। इधर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। कार्रवाई शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगाई थी। इस मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद कई घंटों तक एमसीडी ने कार्रवाई जारी रखी। बाद में यह बताया गया कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर देश में बुलडोजर चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। यह बताता है कि बीजेपी की नीति नफरत फैलाने की है। कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी कई घंटों तक जो है कार्रवाई जो है एमसीडी के लोगों ने की और ये एक्सक्यूज दिया गया कि हमें जो है कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन जहां धर्म जात देख करके वहीं बुलडोजर जो है ये लोग चलाने का काम करते हैं। बिहार में किसी तरह की बिजली संकट नहीं है, ये कहना है सूबे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का। पटना में जनता दरबार के दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने ये बातें कही। दरअसल बिहार के कई इलाके में बिजली सप्लाई बाधित हो रही थी, जिसको लेकर सूबे में बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न होने की खबरें लगातार आ रही थी, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि बुधवार को जो तूफान आया है और कुछ जगह पर ओले गिरे थे, उसके कारण ही पावर कट की तात्कालिक और लोकल समस्या हुई थी। किसी तरह का कोई संकट नहीं है। कल जो परसों जो तूफान आया, कुछ जगह ओले गिरे, इसके चलते तात्कालिक ये लोकल प्रॉब्लम के चलते कुछ देर के लिए बाधित हुआ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का अलग ही रूप देखने को मिला। डीएम साहब अचानक ही अमला टोला कन्या मध्य विद्यालय पहुंचे और उन्होंने जमीन पर बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। डीएम चंद्रशेखर सिंह के साथ डीईओ अमित कुमार भी अचानक अमला टोला स्कूल पहुंचे। आला अधिकारियों ने यहां सबसे पहले स्कूल के किचन का जायजा लिया और मेन्यू चेक किया। इसके बाद डीएम बच्चों के साथ पंक्ति में फर्श पर बैठ गए और बच्चों के साथ वहीं खाना खाया। बात करते हैं एक दर्दनाक हादसे की। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र मिर्चाई घाट इलाके के पास एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। बताया जा रहा है कि एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था और इसमें बोरवेल बनाने का काम जारी था। इसी दौरान बोरवेल में 2 साल का बच्चा अचानक गिर गया। बच्चे के गिरते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में लोगों ने जेसीबी की व्यवस्था कर मिट्टी खोद कर बोरवेल से उसे निकाला। इस बीच दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमीन मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कैसे क्या मामला, आराम से बोलिए, कैसे क्या मामला? गड्ढा खोल के मतलब छोड़ दिया बच्चा मेरा गिर गया। बच्चा गड्ढा खोल के मेरा भतीजा के गड्ढा छोड़ दिया, मेरा वही में भतीजा गिर गया। दर्द कर लिया। गड्ढा कितने दिन से खोदा हुआ है? गड्ढा रहा था, कौन आया? अच्छा, उसका कोई जहाँ की उकी नहीं किया था? कोई नहीं जागने वाला, कोई नहीं। बच्चा गड्ढा है, कोई नहीं। पहले खुला था भैया,
देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमें फेसबुक पे भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।